कीमत अपनी समझे या कुछ भी ऐसा काम करे जिससे किसी मखलूक को परेशानी हो। तो कहते हैं सूफिया इकराम ने उन हजरात की बात करता हो जो सूफिया के ताजदार है, दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े औलिया इकराम, अल्लाह अल्लाह जब उनकी किताब उठाते हैं तो क्या उनकी राजो नियाज की और कितनी पेचीदा बातों की तरफ मुतवज्जे करते हैं और क्या अर्ज़ करते हैं कि जनाब सब्र का दामन न छूटने पाए, शुक्र का दामन न छोड़ने पाए, है ना, ज़बान से शिकवा रंजो आलम नहीं निकलना चाहिए। कहते ज़बान को सैयदी सरकार शाह आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु के अकवाल जर्री को जब हम देखें उनमें पढ़े सुने किताबों के अंदर, तो अल्लाह अकबर, जब आपने जुमा के दिन खिताब किया, जुमा के बाद मजलिस में खानका में जो इरशादात फरमाए हैं, अमल की बात, नफ्स को काबू में करने की बात, वल्लाह अज़ीम बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपने जो है इरशाद फरमाई है। मैं चाहता हूँ कि दो चार बातें आपको गोशे गुजार कर दूँ, इससे पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। वैसे आज 29 तारीख है, 29 को चूँकि मेरा जो है विलादत का भी दिन है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला मेरे ताल्लुक से भी दुआ फरमा दी, आज पैदाइश का दिन है। अल्लाह ताला मुझे आप इल्म में, उम्र में, दर्जात में, कमालात में, इनके सदक़े में बरकतें अता फरमाएं। एक दुआ आपने लिखी है जो पढ़ते थे, वो क्या दुआ है आप देखिए, दुआ सुनिएगा। अल्लाह करे इस जुमा की बरकत से, उर्स की बरकत से ये दुआ हमारे लिए भी काम हो जावे। कहते हैं अल्लाहुम्मा रज़क़ना शफ़ातल मुस्तफ़ा, समझते चलिए शफ़ातल मुस्तफ़ा, पहले ही शफ़ात, सुभान अल्लाह, इस नबी की शफ़ात मांगी है कि उनकी शफ़ात मिल गई, काम हो गया। कहते हैं अल्लाहुम्मा रज़क़ना शफ़ातल मुस्तफ़ा व हिमायतल मुस्तफ़ा, हिमायत व अमानतल मुस्तफ़ा व बकाल मुस्तफ़ा, चाहे आलम सरकार है, व ईमानल मुस्तफ़ा, व ईमानल मुस्तफ़ा वल इस्लामल मुस्तफ़ा, आमीन, वल इस्लामल मुस्तफ़ा व बहाल मुस्तफ़ा, व बहाल मुस्तफ़ा व बकाल मुस्तफ़ा व इखलास अल मुस्तफ़ा, इखलास व इखलास अल मुस्तफ़ा व बुरहान अल मुस्तफ़ा। कहते हैं वह बुरहान अल मुस्तफ़ा व हुज्जत अल मुस्तफ़ा व तौबत अल मुस्तफ़ा, तौबा व तौबत अल मुस्तफ़ा व बरकत अल मुस्तफ़ा, व बरकत अल मुस्तफ़ा व अजर अल मुस्तफ़ा, व अजर अल मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा रज़क़ना क़ुव्वत अल मुस्तफ़ा, अल्लाहुम्मा रज़क़ना क़ुव्वत अल मुस्तफ़ा व बसरत अल मुस्तफ़ा व तवक्कल अल मुस्तफ़ा व शुक्र अल मुस्तफ़ा व खैर अल मुस्तफ़ा व सबाब अल मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा रज़क़ना जमील अल मुस्तफ़ा व जमाल अल मुस्तफ़ा, जमील अल मुस्तफ़ा व जमाल अल मुस्तफ़ा व जन्नत अल मुस्तफ़ा व सलात अल मुस्तफ़ा व सल्लल्लाहु अला खैर खल्की मोहम्मद वाली व सहाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। कितनी ज़बरदस्त दुआ है साहे आलम सरकार की, और भी बहुत सारे अमल आपने जुमा के दिन के भी ख़ास तौर से जो है ताकीद फरमाई। जिक्र पंच गंज, क्या फरमाया, पंच गंज खजाना, पांच खजाने एक साथ, क्या कहते हैं, अव्वल फजर में पढ़ना दुनियावी व उखरी व उखरवी नेमतों के हुसूल का ज़रिया है। क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन 100 बार, फिर एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल अमीन। फरमाया जो इसको पढ़े वो जो है पंज गंज का खजाना। इसी तरह जिक्र शाहिया है, जिक्र अरबाए तरीका है, ये तो अजकार है। आपने जो तस्बीह फातिमा का भी बड़ा जिक्र किया है आपने, आप फरमाते तस्बीह फातिमा पढ़ो सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार, ये तो ज़बरदस्त वजीफ़ा है। अजान सुनने के आदाब में अपने जिस अंदाज से बताए क्या क्या पढ़ा जाए, हम तो समझ यही है कि हम उसका जवाब दें, बाद में दुआ पढ़ दुरूद पढ़ के दुआ पढ़े, है ना, दुआए वसीला। लेकिन आपने जो बताया कि कब क्या पढ़ना है वो भी आपने उसको तहरीर किया, आप खुद भी उसको अमल में है, ये चीज़ें आपके खुद के अमल में थी, आपके खानवादे के अमल में थी। इस तरीके से बहुत सारे आपने तरीके भी बताए, यानी कि नसीहत भी की। नसीहत करते हुए फरमाते हैं, एक मरतबा आपने फरमाया करामतों का ज़हूर और दुआ की मकबूलियत पर फूलो मत, करामतों का ज़हूर जो हो रहा है या आपकी दुआएं कबूल होती हैं तो फूलो मत, तो उम्मीद तो, जबकि ये बुज़ुर्गी
नुमा चीज़ें ज़ाहिर हो, तो बंदे को चाहिए, जब ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होने लगे तुमसे, तो बंदे को चाहिए कि वो जिस काम के लिए भेजा गया है अल्लाह की तरफ से, यानी इताअत व इबादत में मशगूल हो जाए। वहाँ से ध्यान हटा कि इधर ना लावे कि चलो हो गया अपना, कहा कि नहीं इसमें मशगूल हो जाए। और आगे क्या कहते हैं, और आला मकाम की तलाश करें, और आला मकाम की तलाश करें। अल्लाह ताला का फरमान है, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ये आपके फरमान से मैंने एक फरमान आपके कोशे गुजार किया। बहुत सारी बातें हैं, उम्र मौला की तलब में बसर करें। आप कहते हैं वक्त को ज़ाया ना करें, वक्त को अल्लाह की याद में, उसको तलब करने में, उसकी फजल उस कमल करम को जो है हासिल करने के अंदर जो है कोशिश करें और तलब करें। और एक मकाम पे फरमाते हैं, फरमाया कि सलफ़े सालिहीन यानी औली अल्लाह सालिहीन जो गुजरे, सलफ़े सालिहीन के तरीके की इत्तेबा करने में यानी उनके इताअत व पैरवी और उनके नक्शे कदम पे चलने में जद्दोजहद करना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए, मुजाहिदा करना चाहिए, उनकी तरह उनके नक्शे कदम पर चलने की मेहनत करनी चाहिए। इसलिए कि यही खुदा के फजल के दरवाजे की कुंजी है, अल्लाह के फजल के दरवाजे की कुंजी यही है कि उनकी इत्तेबा में इताअत में मेहनत करे, उसी पर लग जाए, यही फजल है। और हबीब की तरफ जाने वाला रास्ता मामूर है। जिस शख्स ने इस रास्ते में शुजात व जवाब मर्दी इख्तियार की, वही ज़र्फियाब है, वही कामयाब है, वही नवाज़